हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन बनाने हैं, किसी एप्लीकेशन का क्लोन ऐप बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर क्लोन ऐप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में चलना है आपको क्लोन ऐप बनाने के लिए। सेटिंग में आ जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप क्लोन, ऐप क्लोन पर जाएंगे। ऐप क्लोन पर जाने के बाद यहाँ से आपको जो भी एप्लीकेशन आपको फ़ोन सपोर्ट करता है वो सारे आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। सिंपली हमें फेसबुक का ऑप्शन डिलीव करना है, इस पर इनेबल कर देंगे। फेसबुक का हमारे फ़ोन के अंदर डुप्लीकेट एप्लीकेशन बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको चेक करा देते हैं, फेसबुक का क्लोन ऐप यहाँ आ चुका है और एक फेसबुक आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर दो अकाउंट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप फोन अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन बना के यूज कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग आईडी से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।